और मेगा की बात करें तो मेगा को ऊपर से नीचे गिरकर कूदना है और यहाँ पर विदाल लेते टाइम बिल्कुल ही जलवा दिखाना चाहिए और मैच छोड़कर जाना कोई बात नहीं होती। सो यहाँ पर अगर बात किया जितनी भी टीम्स खेल रही है दे विल बी ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू एंड दिस मैच इन अ वेरी फेवरेबल वे पॉसिबल। वहीं पर निकल चुका हमारा फ्लाइट पाथ जो कि जाने वाला है पूरी तरह से फ्रॉम द साइड ऑफ डोबन मिस्टर टू द वेरी एंगल्स ऑफ द कैंट्रा। सो अगर इस फ्लाइट पाथ की बात किया फ्लाइट पाथ काफी तक मिडिल रेंज है और मिडिल रेंज फ्लाइट पाथ के कारण मेरे ख्याल से टीम्स की स्कैटरिंग होना चाहिए काफी इजी वे। एग्जैक्टली यहाँ पर पिछले मीनामार को जो मैप कटा था वो मेरे ख्याल से काफी हार्डशिप था जहां पर हमने देखा था सनरिज फ्लाइट पाथ आया था और जोन की अगर बात करें जोन पूरी तरह से बना था नॉर्दर्न साइड का। सो अगर विकेंडी की बात करें विकेंडी इज वेरी नोटोरियस फॉर जोन जहां पर अगर फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं तो विकेंडी का फर्स्ट सर्कल प्रेडिक्ट कर पाना हर एक टीम के लिए नाइटमेयर हो जाता है। यार ये चलते हैं यहां पर बाकी टीम के ऊपर एंटी फिनेटिक जैसे जानी जाती है मिडिल बिल्कुल मिडिल जोन के अंदर जाना बट अभी जोन उनके पास नहीं मिडिल लेकिन हाँ मिडिल ऑफ द मैप अभी बन रखे टीम फिनेटिक के प्लेस। So, बिल्कुल यहाँ पर विला के अंदर जाना चाहिए जहां पर विला की अगर बात करें विकेंडी का सबसे ज्यादा सेंट्रिक पॉइंट होने वाला है एंड दैट सेंट्रिक पॉइंट विल बी अ वेरी हॉट जोन फॉर ऑल द टीम्स। वहीं पर अगर फिनाटिक की बात करें एश के साथ खेलते मैक्स कैश एंड फ्रैंकी के साथ खेलते यहाँ पर नजर आते चारों प्लेयर्स। वहीं पर वीएक्सी स्क्वाड थोड़ी सी क्लोजिंग देने वाली है वाइनरी के इलाके में जहां पर वाइनरी में इनका मुकाबला होने वाला है टीम एट के साथ। तो टीम एट के साथ होने की मुकाबले काफी देखने लायक होने वाला है। वहीं पर लगाते एक नॉक आईएनवी का स्क्वाड लगा चुके हैं डैमेज टीम एमएन को और वहीं पर होती है एक और फाइट एट बिट की स्क्वाड नोनो के साथ खेलते आशु ओमेगा एंड अक्षत नजर आते हैं जो की स्प्रे मारने का प्रयास कर रहे हैं बट दैट टॉमी स्प्रेज आंट रियली गेटिंग कनेक्टेड। यहाँ पर ट्राई जरूर करा जा रहा है तो ब्रूस को एक तरह से देखा तो पास बाइजन है कुछ अच्छी खासी लूट अभी मुझे लग रहा डिसेंट लूट अभी नजर नहीं आ रही लेकिन लेट्स सी ट्राई करेंगे नहीं बट सामने वाली टीम 8 बिट की अगर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 बिट के पास अच्छी खासी लूट मुझे नजर आ रही है यहाँ पर आर्थ अगर देखते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पर 8 बिट के अक्षत ने जिस तरह से नॉक निकाला था नोनो का ज्यादा नॉक एक और बार नजर आता है। वहीं पर आशु होते हैं डाउन और वीएक्स की बात किया वीएक्स ने यहाँ पर पहला डैमेज खा लिया ब्रूस हो चुके हैं इनके डाउन और ब्रूस के यहाँ पर घुटने बल होना 8 बिट के लिए भी दिक्कत आने वाली है। अक्षत के हाथ में लगती एक एम नजर तो आ सकती बट 8 बिट की बात की 8 बिट के पास यहाँ पर एक रिवाइव जाने वाला है दो किल निकाल सकती है। जी हाँ बढ़ जरूर है आगे की तरफ एंड लेट्स सी यहाँ पर ओमेगा बिल्कुल क्लोज इन फाइट लेकिन पीछे की तरफ से यहाँ पर कंप्लीट फिनिश ऑफ किया जा सकता है कि नहीं एट बिट के जो बाकी प्लेयर्स है लेट्स सी उनको बचा लिया जाएगा कि नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर अक्षत बढ़ रहे हैं ओमेगा को अभी तक यहाँ पर रिवाइव नहीं दिया और शायद यहाँ पर कन्फर्म भी कर लेंगे टीम 8 बिट की शुरुआत काफी शानदार रही है सब बैटल में। वहीं पर अगर बात किया फिनाटिक स्क्वाड ले चुके हैं फाइट और सामने खड़ी टीम 2 के साथ होता है इनका मुकाबला नजर आता है एक और बार। सो फिनाटिक के फ्रैंकी आते सामने जॉर्डन के साथ लिया जाएगा फाइट एंड द टीम ऑफ मार्कोस गेमिंग इज राइट हियर ट्राइंग टू टेक द फाइट ऑन द वेरी 3 मैन स्क्वाड कंफर्म कर देगा सामने तरफ है मार्कोस गेमिंग और वो भी 3 मैन स्क्वाड है तो सूर्या तो उनका भी एक मेन प्लेयर मेरे ख्याल से गेम से बाहर है सूर्या एंड यहां पर फिनाटिक का भी मेन प्लेयर बाहर है लेकिन स्टिल यहां पर 3v3 सिचुएशन तो लेट्स सी एश बिल्कुल जस्ट मिस करें यहां पर 5 एचपी के द्वारा यहां पर छोड़ दिया गया। ओके मार्कोस कि मेंटी ओपी को इसी बीच यहां पर किसी से थर्ड पार्टी का शॉट आया और इस चीज के लिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा और क्योंकि फ्यूचर स्टेशन अब आ चुकी है तो यहां पर अब फिनेटिक के लिए भी थोड़ा सा मैं बोलता हूं मैच थोड़ा सा खराब बन सकता है क्योंकि यहां पर फ्यूचर स्टेशन बिल्कुल दोनों का फाइट खराब करके ही मानेगी। जी बिल्कुल सही कहा यहाँ पर सोमराज की अगर बात किया सोमराज के हाथ में यहाँ पर MK14 विद दैट DBS लगी थी और मैक्स कैश बिल्कुल यहाँ पर जीत इसका पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पर मैक्स कैश निकालते कैसुअल्टी काफी अच्छा गेम प्ले दिखा दिया टीम मार्कोस ने एंड द टीम ऑफ मार्कोस इज नॉट स्टॉपिंग बाय फ्रैंकी का चाहता है एक और स्प्रे यहाँ पर उसी का स्प्रे मारने का प्रयास कर लिया था फ्रैंकी ने एक और स्प्रे मारने का प्रयास फ्रैंकी होते टेकन आउट एंड फिनाटिक स्क्वाड का करते हाथ में मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड काफी घातक गेम प्ले। जी यार को ऊपर से क्योंकि यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा फ्यूचर स्टेशन का इन्वॉल्वमेंट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टीम फिनेटिक के प्लेस भी गेम से बाहर होते हुए नजर आए और यहाँ पर लेट्स सी फ्यूचर स्टेशन आगे बढ़ जरूरी है और यहाँ पर फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे और मैं इसी की बात कर रहा था अर्थात कि अगर इस तरह का थर्ड पार्टी आते तो सामने जो टीम जो फाइट कर रही होती है अपनी गन स्किल्स बिल्कुल नहीं दिखा पाते एक दूसरे को। बिल्कुल सही आपने एक और चीज नोटिस करी यहाँ पर AKM66 पे दागा जाने वाला है और वहीं पर नोवा गॉडलिक स्क्वाड हस्तर होते हैं डाउन हस्तर के साथ खेलते हैं रियर की BHP काफी तक निकल चुके हैं और सामने से आती टीम ओवर इनके ऊपर अपना निशाना दागना चाहिए। वहीं पर टीम मार्कोस गेमिंग स्क्वाड नोवा के स्मोकी नजर आते हैं नोवा गॉडलिक स्मोकी अपनी टीम के लिए वापस एक बार जोन के अंदर निकालने का प्रयास करने वाला है या फिर लिया जाएगा फाइट टीम मार्कोस गेमिंग के ऊपर एक और स्प्रे मारने का प्रयास यहाँ पर मार्कोस के ऊपर कर तो लिया एंड हील की अगर बात करें तो हील की स्क्वाड खेलने वाली है ओआर के एंटो यहाँ पर नजर आते हैं जहाँ पर स्मिथ के साथ खेलते हैं मनु इज स्टिल स्टैंडिंग ट्राइंग टू गिव दैट स्प्रे एंटो इज ट्राइंग टू मूव इन द जोन और जोन के अंदर आते इनके शायद से कैचुअल निकाल जाए इन द हैंड्स ऑफ टीम एक्स। जी और यहाँ पर अगर बात करो तो डेस्ट्रो के पास यहाँ पर बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव गन यहाँ पर ओम की है लेट्स सी कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकते हैं ओवर एंड टू बिल्कुल उनके जस्ट पास में शायद यहाँ पर स्पॉट आउट तो कर लिया होगा बट यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि टीम को बिल्कुल एक फाइट से इंगेज कर तो रहे फाइट इंगेज लेकिन सामने साथ क्योंकि छोटा सर्कल है आर्था तो बहुत सारे टीम्स यहाँ पर फाइट एक तरह से थर्ड या फोर्थ पार्टी हमें देखने को मिल सकते हैं फिर
बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर एंटो की अगर बात किया, एंटो ने यहाँ पर स्मोक तो निकाली हाथ में, पर जोन के अंदर जाने के लिए इनका सामना होना चाहेगा टीम 15 के हाथों में। जहां पर अगर बात की हमने टीम एक्सपा की बात की थी, जहां पर इनके पास में एडब्ल्यूएम लग चुके हैं और डेस्ट्रो यहाँ पर नॉक निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऑप्टिमम स्पोर्ट के जेनोसाइड ने मेगा एक्स के प्लेयर को लिया डाउन। जहां पर अगर बात किया M24 का तड़का लगा दिया मैच में एंड द टीम ऑफ हेल इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू कम बैक इन द जोन। जोन होता है श्रिंक, जहां पर जोन श्रिंकेज की अगर बात करें तो ये जोन काफी तक तगड़ा बनने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं सीमेंट फैक्ट्री से बिल्कुल हटके जोन बन सकता है। तो यहाँ पर अभी लेके चलते हैं, लेट्स सी चारों गाड़ियां, मेरे ख्याल से 5 गाड़ियां अवेलेबल है। तो कहां ओके अभी भी आए वैसे जो हम बीआरडीएम बताते हैं, लेकिन एक गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर बस्ट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो दो प्लेस है चाहेंगे वो मेरे ख्याल से बीआरडीएम से एक तरह से रास्ता कवर करना। वहीं पर पुकार लगाते एक और एडब्ल्यूएम का शॉट, होते हमारे दलजीत डाउन एंड ओआर के दलजीत यहाँ पर खाते हैं डैमेज विद वेरी मोस्ट एपिक गन दैट ही एवर यूज्ड। जहां पर एडब्ल्यूएम से खुद से ही डाउन होते नजर आए थे। जहां पर अगर बात किया एक और शॉट यहाँ पर 420 ने लगा लिया मेगा एक्स के लिए पैदा करते एक और दिक्कत। जहां पर गाड़ी काफिले निकलने वाले काफी सामने से FS की स्क्वाड यहाँ पर 5-2 निकलती नजर आती है। जहां पर फ्यूचर स्टेशन का स्क्वाड होते नजर आने वाले काफी क्लोज, देयर वी कैन सी अ टोटल मार्जिन और मार्जिन करने के साथ साथ शायद M24 की तहार लगाई जाए इन दैट कस्टम जी। और ट्राई जरूर कर रहे हैं, जोन कितना छोटा हो चुका है। एक बार मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कितना, और टीम्स अभी भी स्टिल 12 टीम्स बची है। तो आपके सामने रश गेम प्ले देखने को मिलेगा सभी टीम्स का। बिल्कुल सही, यहाँ पर एक्सपा की स्क्वाड ग्रोज हाथ में लेकर चार सिन करने के लिए तैयार, टीम 3 के ऊपर मारा जाएगा स्प्रे। एंड अगर मनु की बात करें तो मनु मेरे ख्याल से ओपन में आ सकते हैं। एंटो यहाँ पर आते काफी क्लोज, लगा लिया एलिमिनेशन एंड देयर वी कैन सी द एक्सपा स्क्वाड हैविंग द 2 किल्स एंड टोटल एलिमिनेशन कॉल फॉर द टीम ऑफ ओआर। जहां पर ओआर के एंटो के निकालते कैजुअलिटी, काफी अच्छा गेम प्ले दूसरे किल के साथ, चारों बंदे तैनात, जोन के अंदर आने का मौका एक और बार आता हुआ। और यहाँ पर देखूंगा एक्सपा की अगर बात करते हैं, डुअल स्प्लिट अभी यहाँ पर टीम्स हो रखी हैं। इसमें आप दो प्लेस यहाँ पर है, दो प्लेस उनके बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर वो मैनेज करेंगे किल्स अर्न करने का। और टोटल किल्स भी यहाँ पर उन्हें 2+ कर चुके हैं यहाँ पर। लेकिन चलते हैं यहाँ पर टीम नंबर 5 के पास अभी के लिए CSPG के ओके, यहाँ पर अभी फाइट कन्फर्म की गई है। एंड अच्छी बात है कि स्टिल यहाँ पर कवर होने के बावजूद भी स्मोक डाला जा रहा है, ताकि यार कहीं से भी ऑप्शन ना बने उनके ऊपर थर्ड पार्टी अटैक करने का। बिल्कुल सही, और दूसरी तरफ हम देखते हैं 8-bit का स्क्वाड फाइट लेने वाला है INV के ऊपर। जहां पर INV के एक बंदे को ऑलरेडी डाउन कर दिया गया है, और 8-bit की अगर बात की 8-bit थोड़े से पायदान पे आ चुके हैं। जहां पर किले के ऊपर बैठी मेगा एक्स की स्क्वाड बिल्कुल ही आंखें गड़ा कर बैठा चाहिए। स्ट्राइकर के साथ खेलते रश गॉड एंड मैग्नेट के साथ खेलते ट्रस्टी आर इन द 4-man टीम। एंड यहाँ पर चारों बंदे होते तैनात, 3 किल निकाल चुके ऑलरेडी टीम 8-bit। आने वाले निशाने पर एक और बार G3 का स्प्रे चाहता है, एंड विद दैट G3 स्प्रे 8-bit स्क्वाड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ हिट्स। और बिल्कुल चलते हैं सामने की तरफ से हम यहाँ पर, ओके दिलजीत का यहाँ पर रोटेशन आता हो फाइनली एंड जोन के बिल्कुल एज में है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जोन के एज में ही जाना प्रेफर करेंगे, बट जिस पोजीशन में मैं बोलना चाहूंगा आर्था यहाँ पर मेगा इसके प्लेयर है सही में, वहां से उनके पास ऑप्शन है अपने किल्स को और भी काउंट इंक्रीज करने का। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस सबसे किला लेकर बैठे हैं 8-bit के स्क्वाड के सामने वाले, वहीं पर अगर बात किया टीम ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स की तो ऑप्टिमम जेनोसाइड का स्क्वाड भी इनके निशाने पर आ सकता है। वहीं पर इनका हेलमेट थोड़ा सा उड़ाते नजर आए थे। मैग्नेट की अगर बात किया तो थोड़े से अपने सर को बचा कर रखना चाहिए, कॉस मैग्नेट के साथ खेलते रश गॉड होते हैं डाउन। वहीं पर अगर बात किया नीचे बैठी 8-bit स्क्वाड, जो कि बेकल से पिछले गेम में थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, क्या लगता है आपको कि 8-bit स्क्वाड वापस एक बार क्रॉल इन कर सकती है? बिल्कुल ट्राई तो जरूर करेंगे, बट अभी भी उनको थोड़ा सा खतरा है पर, क्योंकि ट्रस्टी की अगर बात करूं वो INV के बिल्कुल ऊपर नजर है। ट्राई जरूर करें 420 के पास भी बिल्कुल सेम मुझे लग रहा है ओम यहाँ पर नजर आती हुई। एंड एक बार मैं चलता हूँ डेस्ट्रो के पास भी, जी गाइस डेस्ट्रो के पास भी यहाँ पर ओम है। ट्राई करेंगे यहाँ पर रशिंग करने का, मे बी शायद से एक रोटेशन आता हुआ टीम नंबर 5 का, और यहाँ पर ओपन में रहना डेस्ट्रो के लिए गाइस काफी दिक्कत भरा रहा। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर एक्स का जाता है एक और रोटेशन, जहां पर ईओ का जाता ग्रोजा स्प्रे, चौथा के लिख लिया खाते में। सामने से आती टीम 9 के ऊपर शॉट लगाने की कोशिश, होती है थोड़ी सी नाकामयाब, बट नाउ वी कैन सी द टीम ऑफ 9 इज गोना हैव द टोटल डोमिनेशन ऑफ दैट ग्रोजा। जहां पर ग्रोजा 2 G36 होता फाइट यहाँ पर माती बाजी नजर आई थी, और टीम एक्स के 420 अपनी टीम के लिए बचते सिर्फ आखिरी बंदे। सो अपनी टीम की आखिरी उम्मीद लेकर 7 टीम्स अभी तक बचे हैं, विद दैट 7 टीम्स वी आर स्टिल ऑन द 19 प्लस। जहां पर ऊपर बैठी मेगा एक्स अपने किले को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जी। और यहाँ से अब किल काउंट अगर इंक्रीज कर दे तो उनके लिए बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि बात करो नीचे से टीम नंबर 5 के प्लेस भी यहाँ पर रोटेशन करके आ चुके हैं। 8-bit की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर चलते हैं तो 6 किल्स ये लोग निकाल चुके हैं। स्टार्टिंग में ही इनको एक बढ़िया शुरुआत मिली 4 किल के साथ, लेकिन अभी भी और किल्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, और सामने की तरफ से टीम नंबर 5 के साथ यहाँ पर बैटल लेनी पड़ेगी। लेट्स सी, दो प्लेस एक प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, अक्षु को आगे की तरफ जाना पड़ेगा। लेट्स सी अक्षु बढ़ तो गए आगे, बट लेट्स सी अपने आपको बचा पाते कि नहीं। और बिल्कुल एक POV 1v1 इंकाउंटर, एक HP के साथ यहाँ पर छोड़ा गया, फ्री फायर यहाँ पर लिया गया, तो जल्दी से यहाँ पर एक ही मौके। तो पीछे की तरफ से क्या यहाँ पर ट्रेड फायर के दौरान उनके प्लेयर उनको बचा पाते कि नहीं, ट्राई जरूर करेंगे। अक्षत की तरफ से लो टॉस, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो टीम 8-bit दो टीम के साथ एक तरह से फाइटिंग एज करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आर्था।
बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर एक तरफ है टीम नाइन और दूसरी तरफ है टीम फाइव, जहां पर अक्षत के ऊपर आता है पूरे भारत टीम का। नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद द वेरी फोर टीम्स, यहाँ पर चार टीम बचती है, टीम नाइन के चारों बंदे जिंदा है। जहां पर नोनो की अगर बात करें, नोनो के साथ बैठे अक्षत अभी तक नजर आते हैं विद दैट वेरी 8-bit स्क्वाड स्टैंडिंग। आई गेस द टीम ऑफ मेगाएक्स इज स्टिल हैविंग द फोर मैन स्क्वाड ऑन देम, जहां पर थोड़े से फाइट लेने का प्रयास बिल्कुल इनके पायदान पर बैठी टीम फाइव नजर आते हैं, जिनके ऊपर एंगल ना बनने के कारण शायद मेगाएक्स को थोड़ी सी दिक्कत आ जाए इस टीम को एलिमिनेट करने में। जी हाँ, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर बनती है। और मेगा एक्स की मैं देख रहा हूँ बार बार प्लेज यहाँ पर नॉकआउट हो रहे, तो स्टार कॉपी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अगर हम बात करें तो हेलमेट भी अब नहीं बचा है, वेस्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पर डैमेज हो चुके। ओके, हेलमेट बच रखा है लेकिन वेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर टीम नहीं चाहिए इस तरह का फेस करना। लेट्स यहाँ पर नोनो आखिरी तरफ बढ़ जरूर है एंड टीम नंबर फाइव को आई गेस यहाँ पर एलिमिनेट कर चुके, तो तीन टीम आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है, जिसपे मौका है यहाँ पर, चांस है टीम मेगा एक्स के पास। उनका एक जो प्लेयर है वो हो चुका है नॉकआउट टस्टी को, लेट्स यहाँ पर रिवाइव दे पाते कि नहीं, और जोन के अंदर है तो लेट्स सी ट्राई कर जा सकते हैं पर वैसे। बिल्कुल ही ओपन स्प्रे मारा गया था, अक्षत काफी तो ओपन में आ चुका है, ओपन स्प्रे मारकर रश निकालते हैं और नॉक और किल सिकारिंग विल बी डन वेरी सून। छठ पैकल के साथ मेगा एक्स की स्क्वाड इज ऑन थ्री मैन और तीनों बंदे होते तैनात यहाँ पर, नीचे पायदान पर बैठी 8-bit और सामने खड़ी यहाँ पर फ्यूचर स्टेशन, चारों के साथ होना चाहिए मुकाबला। द फ्यूचर स्टेशन इज एक्चुअली ऑन द फोर मैन और पुकार के साथ खेलते चारों बंदे होते तैनात। जोन की अगर बात करें, जोन के अंदर शायद सारी टीम अब तक पहुंची नहीं है, क्योंकि जोन यहाँ पर किसी पल हो जाएगा श्रिंक एंड दैट जोन श्रिंकेज विल बी डिसाइडिंग आवर वेरी विनर ऑफ द गेम। जी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप मेगा एक्स स्टार कॉपी को वैसे अगर मैं बोलता हूँ तो शायद यहाँ पर नीडिंग ट्राई कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है। ओके, नीडिंग स्टार्ट करी जा रही है, रश गॉड थोड़ा सा आगे यहाँ पर फेंक देंगे, बट यहाँ पर जैसे बीआरडीएम यहाँ पर चलाना स्टार्ट करेंगे तो ये बीआरडीएम का फायदा होता हुआ, लेकिन रश गॉड का नॉकआउट शायद टीम के ऊपर भारी पड़ता हुआ। स्टार को भी यहाँ पर बचाना था, लेट्स सी ट्रस्ट के ऊपर जा पाते हैं। और फाइनली यहाँ पर मेगा एक्स का भी एक प्लेयर खत्म होता हुआ, फ्यूचर स्टेशन के बाद में यहाँ पर मौका है, लेकिन मेगा एक्स ने जो अपॉर्चुनिटी खोई है शायद मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर चिकन डिनर निकालते हैं तो ऐसा कंपनसेशन हो सकता है, बट अगर यहाँ से नहीं निकाल पाते तो बहुत बड़ा यहाँ पर बोलता हूँ इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी खोई है। फिर बिल्कुल सही, यहाँ पर हाइट एडवांटेज एक और बार डोमिनेट करने का मौका होने वाला है फ्यूचर स्टेशन के ऊपर, और फ्यूचर स्टेशन के बाद क्या थोड़े से ओपन में आ गए थे, बॉब डॉप की निकलती कैजुअलिटी, काफी अच्छा गेम प्ले निकाल चुके हैं मेगा एक्स, एंड मेगा एक्स के सामने यहाँ पर आखिर में शायद से एक ही बंदा आए, 8-bit होती है पूरी तरह से मेट, और मेगा एक्स की अगर बात करें तो मेगा एक्स को ऊपर से नीचे गिरकर कूदना है, और यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरकर नॉक अगर हो गए तो मेरे ख्याल से मेगा एक्स यहाँ पर होती है एलिमिनेट, एंड देयर वी कैन सी द टीम ऑफ फ्यूचर स्टेशन गेट द विक्टर देयर ऑन द थ्री नोड, जहाँ पर फ्यूचर स्टेशन की स्क्वाड बॉब डॉप के साथ खेलते कॉमराज और फायर स्टॉर्म के साथ खेलते नजर आए थे पुकार विद दैट वेरी एपिक अमाउंट ऑफ किलिंग, दे आर टेकिंग द चिकन डिनर ऑन द फ्री नोट ऑफ दैट नाइट।